केंद्रीय जेल समिति इंदौर द्वारा आज इंदौर में एक अनूठी पहल की गई। इंदौर सेंट्रल जेल के बाहर एक पेट्रोल पंप की शुरुआत की गई और उस पेट्रोल पंप के शुरुआत में जो उसका शुभारंभ किया है मध्य प्रदेश के जेल के डीजी अरविंद कुमार जी ने, और वहां पर एक सबसे बड़ी बात यह रही कि अरविंद कुमार जी ने आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है यहाँ पर एक संदेश दिया और अपनी गाड़ी में उन्होंने खुद नोज़ल पकड़कर यहाँ पर ईंधन डाला, और उसी के साथ जो उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने साफ कहा है कि हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारे जो यहाँ पे कैदी भाई लोग हैं वो गलती से आवेश में आकर इस प्रकार की घटना को अंजाम दे देते हैं और उसके बाद उनको पछतावा होता है, और उसी को लेकर हम ये चाहते हैं कि जो कैदी लोग हैं, जो कैदी भाई लोग हैं, उनको यहाँ पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक रोज़गार की शुरुआत की जाए। अभी फ़िलहाल में शुरुआत में जो स्टाफ वहाँ पर काम कर रहा है, जो कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो वहीं केंद्रीय जेल के कर्मचारी हैं और वहाँ के कैदी भी हैं। उन कैदियों को यहाँ पर काम दिया गया, रोज़गार दिया गया है, जिन कैदियों को वहाँ पर खुली जेल में रखने की अनुमति थी। हालांकि जो कैदी थे उनसे बातचीत की गई, उन्होंने साफ कहा है कि ये हमारी सरकार द्वारा एक बहुत अच्छी पहल है, इससे हमें रोज़गार भी मिलेगा और हमें यहाँ पर अपने पैरों पे खड़े होने का समय भी मिल पाएगा। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि आने वाले समय में हमें और रोज़गार मिलने की उम्मीद है, लेकिन अगर हम रिहा होते हैं और उसके बाद अगर हमें रोज़गार नहीं मिलता तो कम से कम हमारे पास रोज़गार का एक साधन यह ज़रूर रहेगा। मध्य प्रदेश में माना जा रहा है कि इंदौर ही एक ऐसा पहला शहर है कि जहां पर जेल द्वारा एक ऐसे पेट्रोल पंप की शुरुआत की गई जहां पर कैदी और वहीं का स्टाफ काम करेगा। इंदौर में पहला ऐसा पेट्रोल पंप है जो इसकी शुरुआत हो चुकी है, और ख़ास बात यह है कि वहां का जो पूरा स्टाफ है वो आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर यहां पर काम करेगा। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।